हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जो है वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी देखिए, रात को जो है बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है, बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, एकदम बहुत ही तेज़ आंधी भी आया था। और लगभग 2 बजे थे रात को, तो अचानक से जो बहुत तेज़ आंधी आई और बारिश भी होने लगा। तो अभी मौसम तो थोड़ा सा खुला हो गया है, लेकिन बादल अभी भी है। ये देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ, बादल अभी भी हैं, लेकिन इस बादल के साथ साथ हल्की सी धूप भी है, बहुत हल्की सी जो धूप है। और थोड़ा सा मतलब आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इतना धूप ही है और ना ही इतना ज़्यादा बादल है कि आप बारिश की वजह से डरें, तो बाकी सब एवरेज में ही है। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा जो है गुड्स, जो हमारे अगरबत्ती का गुड्स है, उसकी सप्लाई करनी है मुझे, क्योंकि जो सप्लाई करने वाले हैं वो थोड़ा सा, उनके पास टाइम नहीं है जाने के लिए। तो अभी देवेंद्र को बुलाता हूँ, और जो आज कुछ जो गुड्स रखे हुए निकाले गए हैं, नीचे रखे हुए हैं, और हमें उसको कार में लेके जाना है, क्योंकि रिटेलर फ़ोन की उनको बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे गुड्स उनके दुकान से ख़त्म हो गए हैं। तो रिटेलर की बातों को तो सबसे पहले हम मानेंगे, इसलिए अभी चलते हैं, जस्ट गाड़ी में उसको जो है लदवाते हैं, रखवाते हैं, और फिर उसको लेके चलते हैं। हम चलते हैं, आज हमारा एक जगह सकारपार एरिया है, वहाँ पर हमको जाना है। तो अभी गुड्स को लदवाते हैं और चलते हैं सकारपार। देवेंद्र भी चलेगा साथ में, और देखते हैं, हमारे एक दोस्त रुपेंद्र हैं, वो भी साथ चलने के लिए बोले हैं। तो देखते हैं, निकलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। निकलने से पहले थोड़ा सा जो है कमरे में आ गया हूँ, एक ना है, और देखिए यहाँ कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है। जो है बाहर जो है हल्का फुल्का लाइटिंग था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है। देखिए, चेहरे पे शाइनिंग भी आ गई मेरे। तो दोस्तों, अभी जो है अनवी, इधर आओ, इधर आओ। देखो, मेरा अनवी बेटा भी तैयार होकर जो है मोबाइल अपना देख रही, पढ़ाई, होमवर्क भी अपना कर ली है। ये होमवर्क कर ली ना? कौन कौन सा? मुंह काहे बनाती हो ऐसे, जो है कैमरा के सामने देखो, ऐसा मुंह क्यों बनाती हो जी? इस तरह तो अनवी अपना मुंह बना के चिढ़ाती है सब लोगों को। देखो। तो दोस्तों, इस तरह अनवी जो है चिढ़ाती है आप लोगों को। तो एक बार चिढ़ाओ, चिढ़ाओ एक बार। नो 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 नो, अरे वाह वाह भाई वाह। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को अनवी चिढ़ा रही है। तो अभी दोस्तों मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, उसके बाद में सीधे मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया, लगभग 1:30 बज गए हैं दिन के। तो निकल रहा हूँ, संडे भी है, छुट्टी है हमारी जो ऑफिस का, तो चलते हैं, निकलते हैं तुरंत। फिर भी सामान आ रहा है ऊपर, क्या करें? देखिए कितने बादल हैं। हाँ, कौन देखेगा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है हम गुड्स को जो है रखवा रहे हैं गाड़ी में, और अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं जो है सकारपार मार्केट में। तो रिटेलर हमारा वेट कर रहे हैं, फोन भी आया था एक बार। तो अभी रुपेंद्र, देवेंद्र नहीं जा पाएगा, रुपेंद्र हैं वो हमारे साथ चलेंगे। तो अभी लगभग लगभग हो गया, देखिए गाड़ी भर गई, फुल हो गई है। देवेंद्र कुमार आ गए हैं, फोन मिला रहे, उठा ही नहीं रहे हैं। और चश्मा तुम लिए थे क्या मेरा? इधर आओ, अचानक से प्रकट हो गए हैं, देखिए। अचानक से नहीं प्रकट, और क्या, फोन तो उठाते नहीं हो। तो हम लोग निकल चुके हैं जो है सकारपार के लिए। देवेंद्र जी आने वाले नहीं थे, लेकिन देवेंद्र आ भी गए, और रुपेंद्र भाई हमारा वेट कर रहे हैं बांसी में। तो हम लोग चलते हुए सकारपार एरिया में चलते हैं। देखिए पीछे माल भरा हुआ है, आज हम लोग गाड़ी से ही माल लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, और रिटेलर के पास माल बिल्कुल खत्म हो गया। बोला भैया पहुंचाइए, चाहे कैसे भी पहुंचाइए। तो हम लोग जस्ट माल लोड किए हैं और निकल के जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं रुपेंद्र से, और फिर दिखाते हैं किस स्टाइल में आते हैं। रुपेंद्र जी भी आ गए हैं चलने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो अब ये भी आ गए हैं, देवेंद्र कुमार, देवेंद्र रुपेंद्र, क्या नाम मैच कर रहा है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, मस्ती भी करते हैं, चलते हैं स्पाइसी लाइफ ब्लॉग में। सब लोग देखिए बैठ के मजे ले रहे हैं, जा रहे हैं सब रास्ते में। यहाँ देखो पांडे जी की दुकान होगी, इस पे पूछो कुछ।
पांडे जी से मिल लिए हम लोग जो है। पांडे जी काफी अच्छा ऑर्डर दिए हैं और उनका ऑर्डर जो है कल डिलीवरी कराया जाएगा। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों हमारा जो सारा काम हो गया है मार्केट में और हम लोग निकल दिए हैं यहाँ से। रुपेंद्र जी गाड़ी चला रहे हैं। रुपेंद्र जी बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। मैं चाहता हूँ ये गाड़ी ही चलाते रहे हमारे साथ और मैं ऐसे बैठूं शान से और ये चलाएं। भगवान कृपा कर, भगवान जी की कृपा ऐसे ही बरकरार रहे हमारी दोस्ती पे, ऐसे ही चलता रहे। और देवेंद्र जी पीछे बैठे हुए हैं, मजे काट रहे हैं। लाओ बेटा चश्मा लगाओ, जाए चश्मा लगाए तो। तो दोस्तों इस तरह जो है चश्मा लगा लिया मैं अब और चलते चलते हम लोग जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए। एक कुशल ड्राइवर है, रुपेंद्र जी का कहना है ये कुशल ड्राइवर है तो इनकी कुशलता का परीक्षण किया जा रहा है और अपने इस परीक्षण पे जो है काफी खड़े भी उतरे हुए हैं और चलते चलते जो है जा रहे हैं। और देवेंद्र कुमार हैं एक जो खाली नेगेटिव चीजें बोलने में माहिर हैं, उनको नेगेटिव बोलने का मौका मिले। एक्सीडेंट हो गया, कोई टूट गया, कोई फट गया, तो ऐसे हम चलते चलते आगे जा रहे हैं। आगे गढ़ा है। अरे डीके बेटा कुछ कहोगे? हम क्या कहें, हमारे एक कुशल ड्राइवरी की क्षमता आज दिखाई जा रही है। देख लो कितना मगन होके चल रहे हैं भैया। देखो ना आगे, देखो भैया शर्मा रहे हैं। इनका वीडियो बनाने लगे तो देखिए आगे। ये देखिए पीछे जानवर है, कुछ भैंस बफैलो, बहुत सारे भैंस है जो बढ़िया से जो है अपना घास वास खा रही है। हम लोग चलते हुए जा रहे हैं तो देखिए भगवान चाहेंगे, माता रानी की कृपा रहेगी, भोलेनाथ महादेव की कृपा बनी रहेगी तो हम लोग जरूर, हम लोगों का ट्रिप बनेगा कहीं ना कहीं आने जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ट्रिप जब बनेगा तो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे, मजा ही आ जाएगा ब्लॉगिंग करने में और चलने में। और अभी भी हमें वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा। देखिए हरे हरे पेड़ है चारों तरफ, मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूं एक बार, ये देखिए बहुत सारे पेड़ हैं और हम लोग इस तरह से बैठ के जा रहे हैं अभी। देखिए ऐसे ही बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम मौसम भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी रात में तो बारिश हुई थी तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा इस समय मौसम है और काफी ठंडा मौसम है इस समय। तो इस तरह से देखिए आगे का माहौल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलते हुए जा रहे हैं बातें करते हुए और टाइम भी हम लोगों का अच्छा खासा पास हो गया और काम भी हो गया। रुपेंद्र जी जो अपने गांव भी गए थे और उनका कुछ जरूरी काम था घर पे तो भी कंप्लीट करके जो घर से निकले हुए हैं। तो छोटा सा मार्केट पड़ा हुआ है, इस मार्केट देखिए बादल ये देखिए बादल कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए इतने अच्छे जो मतलब इतना अच्छा लोकेशन दिख रहा है, बादल जो दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप जो भी कल्पना करिए वही दिखेंगे इसमें। ओम देखो, सही बताया ओम देखा, आप कुछ भी कल्पना कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, देखिए दोस्तों ओम दिख रहा है, देवेंद्र को दिख गया, दिख गया ओम दिख गया, भोलेनाथ जय हो, ओम ओम ओम, सही बताया सही। हाँ तो दोस्तों आप लोग देखेगा और कमेंट करके बताइए क्या इसमें ओम दिख रहा है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है जरूर। बोलो 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 कौन सा गाना सुना है, बोलो जो तुम जो है बातें कर रहे हो, क्या मैं उसको ब्लॉग को डालूं, ब्लॉग में डालूं, लोग समझे कि क्या बातें करते हो तुम। फूल का पेड़ बहुत ही अच्छा सुहाना फूल का पेड़। अभी जगह लेटेस्ट प्रस्तुति है जो देवेंद्र कुमार करेंगे, चलो सुनाओ, सुनाइए गाना, सुनाइए देवेंद्र कुमार गाना सुनाइए। हम सुनते ही नहीं गाना। अरे अभी तो बोले मैं गाना सुनाऊंगा, करो गाना नहीं सुनते सारे मेरे मौसम में। दोस्तों अभी एक गाने की प्रस्तुति जो है अभी मैं करता हूँ, गाना एक गाता हूँ, आज बहुत दिन हो गया गाना नहीं गाया तो सुनिए आप लोग। ये भोजपुरी गाना है, बहुत ही अच्छा है और साफ सुथरा गाना है और इसको निरहुआ की मूवी का मतलब है और इसको उदित नारायण जी ने गाया है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से गाया है कि ओ तुहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, ओ तुहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तुमसे जियल न जाई हो, के चाँद जैसन, के चाँद जैसन,
चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल के चाँद जैसन, चेहरा तोहार दिल हमार ले गइल नहिया के क्रिया खाके कहली गुजरिया। तो इस गाने को बढ़िया से याद करूंगा तो मैं आप लोगों पे सुनाऊंगा जरूर। फाइनली दोस्तों मैं घर पे पहुंच गया हूं और थोड़ा सा अभी जो है चाय पानी पी के जो है कपड़े वपड़े चेंज करके मैं चल रहा हूँ। कुछ बच्चे मैच खेल रहे हैं खेतों में जो है, तो मैं चलता हूँ देखता हूँ मैं अगर दो चार बाल खेलने को मुझे मिलेगा तो मैं भी खेलूँगा। तो अभी चलते हैं वहाँ पर मुलाकात करते हैं बच्चों से। एकदम ये देखिए वाइट और सही बाल पे थर्ड एम्पायर को कॉल किया जाए। देखिए गांव में ऐसे मैच होता है, एक बाल आप मिस मैच करेंगे तो लड़ाई हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं बैटिंग की तरफ हूँ और ये पंडित जी बैटिंग कर रहे हैं और पंडित जी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए बहुत ही शानदार बाल, छू भी नहीं पाया उसको। पंडित जी खींच के मारी है, कितने ओवर का? हार्दिक पांड्या के रूप में खेला। कितने ओवर का है मैच? हमेशा कितने ओवर का है? एक तो दो ये बिंदु ये बाल भैल भाई। कितने ओवर का है बेटा? शाबाश ए पंडित। और ये बॉल निकल गई, क्या बताओ? देखिए दोस्तों कितना अच्छा जो है फील्ड है खेलने के लिए मैच, बहुत एकदम जिसमें फसल सारी कट गई है तो एकदम खुला खुला सा हो गया, बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत ही साफ सुथरा है एकदम मैच खेलने के लिए। इस बार भी बॉल मिस कर गई और हमारी टीम जो बैटिंग कर रही है मैं भी बैटिंग करने के लिए भी तैयार हूँ और अभी जाऊँगा। हाय दोस्तों, तो आज का दिन जो है ऐसी मस्ती भरा बीत गया संडे का दिन। और देखिए हम लोग जो है काफ़ी टहले घूमे और कई चीज़ें थी वर्क था जो हम लोगों ने किया कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे शाम हो गई है, लगभग रात हो गई है, एकदम 8-8 बज रहे हैं अभी। तो अभी आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों और कल सुबह फिर नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपसे। और जाते जाते अनवी को दिखा रहा हूँ, अनवी भी अपने जो छोटा सा मेज मैंने अनवी के लिए ख़रीदा था, अनवी जो है उससे पढ़ाई कर रही है। और ये देखिए हमारा माइक जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, इस बीच आवाज़ इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आवाज़ थोड़ा सा हल्का रिकॉर्ड कर रही है, इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए अनवी पढ़ाई कर रही हैं, नाइट में अपना होमवर्क कर रही है, जिनको छुट्टी का होमवर्क मिल रहा है। बेटा मज़ा आ रहा पढ़ने में, इधर देखो। तो दोस्तों अभी अनवी का होमवर्क खत्म होने वाला है और हम इसको कंप्लीट करा के तो ये मेरा मेज है और यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और एक बहुत बेवकूफी की बात है कि मेरा पेंसिल ही नहीं मिल रहा है। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है भाई। हाँ तो कैसे पढ़ाई कर रही हो? ये देखिए मेरा पेंसिल कितना गुंडाला हो गया है। चलो ठीक है, अब सबको गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। देखिए मेरा मेज। दोस्तों इस तरह से जो एनबी की पढ़ाई कंप्लीट हो रही है और हम सभी लोग गुड नाइट बोल रहे हैं और कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियोस के साथ। दोस्तों गुड नाइट और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे और बेल आइकन को प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हां जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं जिससे वीडियो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखिए। तो दोस्तों अनवी की बातों का ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। ओके दोस्तों, और बेल लाइक दबाएं। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मैं स्टार्ट बोलूं। गुड नाइट गुड नाइट।